हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से। दोस्तों कोई भी सामान कैसे ऑर्डर कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी। दोस्तों पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों, आप यहाँ पे कैसे अपना एड्रेस फिल करोगे, कैसे क्या करना है और आप यहाँ पे कैसे ऑर्डर करना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसलिए आपको कहीं भी स्किप नहीं करना। दोस्तों इसके लिए सिंपली गाइस, आप जिस भी चीज को ऑर्डर करना चाहते हो पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जाने के बाद दोस्तों आप कुछ भी चीज ऑर्डर करना चाहते हो पहले यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जूते सर्च कर लिए, जूते सर्च करने के बाद देखें यहाँ पे काफी सारे जूते आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आप इनको ऑर्डर कैसे करोगे। मान लीजिए आपको बहुत सारे यहाँ पे जूते मिल जाते हैं, अब आपके इनमें से कोई पसंद आ जाता है, कोई भी सामान पसंद आ गया। मान लीजिए मेरे को ये वाले ये जूते पसंद आ जाते हैं, अब इनको ऑर्डर करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपके यहाँ पे साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 साइज सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। साइज सेलेक्ट करने के बाद गाइस देखिए नीचे आपके यहाँ पे डेट देगा दोस्तों, ये आपका कब दोस्तों डिलीवर कर देगा, ठीक है। सब बात करते हैं दोस्तों आप बाय कैसे करोगे, ऑर्डर कैसे करोगे। इसके लिए सिंपली गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बाय नाउ का, क्या ऑप्शन मिल रहा है बाय नाउ, तो गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको सामान सर्च मारना है जिसको सामान को मंगाना चाहते हो, फिर गाइस आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर गाइस बात करते हैं दोस्तों आप इसमें एड्रेस कैसे डालोगे। चलिए दोस्तों बता देता हूँ, हम चेंज एड्रेस पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे नया नया फ्लिपकार्ट चलाते हो तो आपके पास एड्रेस डाला नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों एड्रेस कैसे डालना है और आपके पास नाम और नंबर कैसे देना है ताकि वो आए फिर आप यहाँ पे आपको वो फोन करे उस नंबर पे। देखिए हम ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले गाइस आपको ना पहला नाम दे देना है जो भी आपका नाम हो, फिर गाइस आपको अपने एक फोन नंबर देना है क्योंकि गाइस जब वो डिलीवरी बॉय आएगा तो आपके यहाँ पे फोन करेगा, ठीक है। फिर गाइस मैं आपको बता देता हूँ, फिर गाइस आपके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है यूज माई लोकेशन, क्या ऑप्शन मिल रहा है यूज माई लोकेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे फिर गाइस आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। गाइस कंफर्म पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके यहाँ पे काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना। देखिए गाइस ये ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन ले लेगा, जैसे आपकी ऑटोमेटिक लोकेशन ले लेता है गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक लोकेशन ले लिया है। फिर गाइस आपको सेव एड्रेस पे क्लिक कर देना है। गाइस जैसे आप सेव एड्रेस पे क्लिक करते हो गाइस आपको यहाँ पे हाउस नंबर भी दे देना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी ठीक करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे हाउस नंबर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया हाउस नंबर 2। फिर गाइस आपको सेव एड्रेस पे क्लिक कर देना है। गाइस सेव एड्रेस पे क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपके यहाँ पे कुछ देर आप वेट कर लेना है। वेट करने के बाद गाइस आपके यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, जब एड्रेस सेव करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो गाइस आपके यहाँ पे अपनी पेमेंट कर देनी है, ठीक है। ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी करना चाहो तो आपको नीचे आना है। नीचे आने का तो गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है कैश ऑन डिलीवरी, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे लिखो है प्लेस ऑर्डर, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है, फिर कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। गाइस जैसे आप ये कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों आप कैसे देखोगे कि आपके ऑर्डर कब मिलेगा और आपके यहाँ पे ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आप यहाँ पे ऑर्डर कैसे देख सकते हो अपना। इसके लिए सिंपली कैसे आपको यहाँ पे बैक जाना है, बैक जाने के बाद देखिए माय ऑर्डर मिल जाता है, फिर देखिए मैंने आपके सामने ऑर्डर किए थे, ठीक है। देखिए फ्लिपकार्ट की तरफ से फोन है दोस्तों कंफर्म करने के लिए ऑर्डर, तो हम इसको भी काट देते हैं। काटने के बाद गाइस देखिए आपके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है, चलिए हम पहले इसको काट देते हैं। एक ऑप्शन मिलता है डिलीवरी एक्सपोर्ट फॉर 6 अप्रैल, मतलब 6 अप्रैल को जूते मेरे को मिल जाएंगे। आज कितनी है दोस्तों, आज 1 मार्च है, मतलब 6 दिन बाद मेरे को ये जूते मिल जाएंगे। और आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों ये आपका प्रोडक्ट कहाँ आ गया, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कर देना दोस्तों, उसका रिप्लाई आपको 100% मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।